हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज की एरीज सो so, इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है फॉर पीएचडी एडमिशन तो उसी को इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे आपने कमेंट सेक्शन में पूछा भी था तो हेयर इज़ द इन्फॉर्मेशन सो so, देखिए येस ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर डी तो जैसे हमने पहले देखे हैं इंस्टीट्यूट टी के

सबसे पहले ये आपकी येस yes, जो ओवरव्यू है जो इन्फॉर्मेशन मेन है वो है होम पेज है ये सो स्टूडेंट्स विद एम एस सी फिजिक्स आर इन्वाइटेड टू अप्लाई फॉर जे आर एफ तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे जे आर एफ के लिए आपको जे आर एफ मिलेगा जो फेलोशिप होगी वो थर्टी वन थाउजेंड पर मंथ होगी एंड देन लाइक टू ईयर्स के लिए देन आपका इंक्रीमेंट हो जाता है आपको पता ही है इट विल बी थर्टी फाइव थाउजेंड ठीक है सो so, यस yes, जब आप कोर्स वर्क कंप्लीट कर लेंगे ठीक है उसके बाद आप एज अ लाइक पी एच डी स्कॉलर वहाँ पर एनरोल हो जाएंगे राइट right? ये सारी इंफॉर्मेशन आप एक बार पढ़ लीजिएगा देन यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशनस लिखी हुई हैं सो यस एम एस सी फिज़िक्स जिन्होंने भी किया है सो एम एस सी फिज़िक्स के जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्हें फिफ्टी फ़ाइव परसेंट मार्क्स मिनिमम मिले हों दे आर एलिजिबल एंड यस फिफ्टी परसेंट है ये मार्क्स फॉर एस सी एस टी ठीक है मतलब फाइव परसेंट का रिलैक्सेशन देन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री दैट इज़ वाई एम एस सी आपने रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से ली हुई हो फिर है कि आपका ईयर क्या हो सो कैंडिडेट शुड हैव पासड मे सी ऑन और आफ्टर 2019 तो so, 2019 या उसके बाद के जो भी पास आउट्स हैं दे कैन अप्लाई एंड यस अगर आप अपियरिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं बस प्रोवाइडेड कि जब एडमिशन होगा सपोज आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जब वो बोलेंगे तो आपको अपनी मार्कशीट दिखानी होगी कि यस आपने पास किया हुआ है एंड ऑल ठीक है सो so, अगर आपको लगता है तब तक आपको मार्कशीट्स मिल जाएंगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं एंड नहीं मिलता है चांसेस है प्रोबेबिलिटी है कि मिले ना मिले तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है उसके बाद एज लिमिट्स सो यस ट्वेंटी एट ईयर्स होना चाहिए एक जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी वन को आपकी एज या बेसिकली लिखा भी हुआ है द डेट ऑफ बर्थ क्या हो सो एक जुलाई नाइनटीन नाइन्टी थ्री या उसके बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो यू आर एलिजिबल राइट देन उसके बाद है फ़ोर्थ नंबर पे नेक्स्ट क्वालिफिकेशन या रिक्वायरमेंट सो एप्लीकेंट्स शुड हैव सी एस आई आर और यू जी सी नेट जे आर एफ या एल एस क्वालिफाइड इन फिज़िक्स अर्थ एटमोसफेरिक ओशन एंड प्लेनिटरी साइंसेस तो आपने या तो सी एस आई आर का जे आर एफ़ किया हो या नेट किया हो लाइक एल एस सिर्फ या तो यू जी सी नेट क्वालिफाइड हो सो so सिर्फ नेट हैं या जे आर एफ हैं दोनों में से जो भी हैं यू आर एलिजिबल सब्जेक्ट्स में फिज़िक्स या अर्थ साइंसिस या उसके बाद एटमॉसफेरिक ओशन प्लेटरी साइंस आपको पता है सी एस आई आर के सब्जेक्ट थोड़े डिफरेंट हैं सो so ये दो इनमें से किसी सब्जेक्ट में किया है तो यू आर एलिजिबल और ये ट्वेंटी नाइनटीन या ट्वेंटी में किया हो फिर उसके बाद गेट येस yes, तो अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं ट्वेंटी ट्वेंटी या ट्वेंटी ट्वेंटी वन वाला फिजिक्स एटमासफेरिक एंड ओशनिक साइंसेज में या इंस्पायर फेलोशिप है तो आप एलिजिबल हैं उसके बाद ऑल दी एप्लीकेशन येस आपकी पहले स्क्रीनिंग होगी एप्लीकेशंस की इट विल बी फर्दर स्क्रीन बाई टेकिंग इन टू अकाउंट मार्क्स रैंक्स इन गेट सी एस आई आर यू जी सी नेट एंड एम एस सी सो ओवरऑल अकेडमिक आपकी जो भी परफॉर्मेंसेज हैं उनके बेसिस पे स्क्रीनिंग होगी एंड देन आपको बताया जाएगा लाइक शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी राइट right? एंड uh, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी और कैंडिडेट्स जो एक्सटर्नल फेलोशिप होल्डर हैं दैट इज जे आर एफ डी एस टी इंस्पायर फेलोशिप होल्डर हैं सो आपको प्रेफरेंस मिलेगी ऑब्वियसली देन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज मैंडेटरी फॉर द पी एच डी एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बिकम ऑनलाइन फ्रॉम इलेवेंथ जून तो इलेवेंथ जून से थर्टी जून तक यू कैन अप्लाई सो लास्ट डेट इज़ थर्टी जून ट्वेंटी ट्वेंटी वन उसके बाद यहीं पर देख सकते हैं आपकी अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है देन इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड कॉन्टैक्ट किसी भी तरह की कोई क्वेरी है कोई इशू है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते ई मेल आई डी पे इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें सो स्टार्ट अलेवन जून को हुआ है एंड द लास्ट डेट इस थर्टी जून जो लिस्ट आएगी कैंडिडेट्स की जो कि इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे वो सिक्स जून सॉरी सिक्स जुलाई को आएगी एंड बाकी सारी डेट्स आप देख सकते हैं और टेंटेटिव डेट्स हैं इंटरव्यू की मिड ऑफ जुलाई देन अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे पोर्टल दिख रहा है तो आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं सो येस आई होप कि आपके आपको क्लियर क्लारिटी मिल गई होगी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड देन यस आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्लीकेशन फीस से रिलेटेड आप ज़रूर क्वेश्चन करेंगे तो आई थिंक एप्लीकेशन फ़ी ज़ीरो है मतलब कुछ भी आपको शायद पेमेंट नहीं करनी है बिकॉज़ कहीं पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है एंड इनफैक्ट आप इस एप्लीकेशन फॉर्म में भी देखेंगे तीन स्टेप्स हैं ये है फर्स्ट पेज जिसमें कि आपको आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है जो भी यहाँ पे मांगी गई हैं अपलोड करनी है मार्कशीट्स एंड ऑल देन उसके बाद सिर्फ आपको प्रिव्यूम करना है इसी एप्लीकेशन फॉर्म को एंड देन कम्प्लीट सो आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक कि येस एप्लीकेशन फ़ी नहीं है सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप अप्लाई कर सकते हैं सारी ही है लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप इसे शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए एंड दैट इज इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग